हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू पिंडी रिएक्शन। आज फिर एक और वीडियो आप उनके साथ मिलकर देखने के लिए हम हैं मौजूद। मैं हूं लुकमान और मैं हूं आदिल। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करेंगे वो है बीबी की वाइंस, मास्टर जी पार्ट 5। काफी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी आप लोगों की कि बीबी की सीरीज दोबारा से कंटिन्यू करें। हमने दरमियान में थोड़ा पॉज भी किया था कि बीबी से जरा शिफ्ट हो बाकी वीडियोस पर। सो वी आर बैक ऑन बीबी की वाइंस। एग्जैक्टली, ये बनछोड़ दास छतरी वाला है, आपको बताया था ना इसका एडमिशन कराना है, भुवन का दोस्त है। क्या नाम है तुम्हारा? इन्होंने अभी तो बताया। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ तुम्हारा नाम क्या है? बनछोड़ दास छतरी वाला। सर क्या खा रहे हो? च्युइंगम। च्युइंगम खा रहे हो? ऐसे टीचर्स होते हैं मेरी क्लास में, थूक क्या? ये है आजकल के बिगड़े हुए बच्चे, इन्हीं को तो सुधारना है। अरे बेटा सर कह रहे हैं तो थूक दे, ये बहुत अच्छा लड़का है, आने वाले टाइम में आप अपने सभी स्टूडेंट को इसकी मिसाल देंगे। अगर अच्छा स्टूडेंट है तो पिछले वाले स्कूल से क्यों निकाला इसको? पता नहीं, वो तो एक सेकंड। हेलो, हाँ जी, तो कौन से सब्जेक्ट में स्ट्रांग हो? बायोलॉजी बेंच। तमीज से बात करो मुझसे बनछोड़ दास। ओ सर तमीज की ना बेंच पक्की बनाओ। और अच्छा बताओ हमारी बॉडी में कितनी हड्डियां होती हैं? 207, 206 होती हैं। सुबह 207 हो जाती है बेंच। तुम्हारी मैथ्स बहुत वीक है और आपकी फैक्स मशीन खराब है बेंच सर। ओह नो। 9 की टेबल सुनाओ। 9 एकम बेंच, 9 दूनी 18 बेंच, 9 तिया 26 बेंच। अरे 9 तिया 27 होता है और ये क्या बेंचो बेंचो लगा रखा है मेरे स्कूल में? आदत है सर मेरी बेंच। फिर च्युइंगम खा रहे हो? अरे ये स्कूल है, तुम्हारे दोस्तों का अय्याशी खाना नहीं है, यहाँ अपने रूल्स हैं, अपनी रेगुलेशंस हैं, मेरे हिसाब से चलो। 6 साल की आपकी बेटी है ना बेंच? तो बीबी ने तो बस कहा था कि मैं पाकिस्तान छोड़ के आऊं। मैं सही में छोड़ा बहुत हरामी हूँ। धमकी दे रहे हो मुझे? ग्रीन फील्ड स्कूल में पढ़ती है, सुबह 7 बजे जमुना दास की दुकान से बस पकड़ती है बेंच और 12 बजे स्कूल की छुट्टी हो जाती है बेंच। सॉरी ऑफिस से फोन था। अरे तू फिर च्युइंगम चबा रहा है, सर ने कहा था ना फेंक दे। सर ने कहा कि खा सकते हो? क्यों सर? हाँ अच्छी है, खाओ, प्रोटीन मिलता है, कार्बोहाइड्रेट भी है। अच्छा ला मुझे भी दे। इसका जनरल नॉलेज का टेस्ट लेते हैं। कोई भी 3 कार्निवोरस जानवरों के नाम बता दो। शेर, शेर की बीवी, शेर का बच्चा, शेर का दोस्त। अरे सही बोल रहा है, शेर की मौसी, शेर का फूफा, शेर की फूफी, शेर का नॉन कार्निवोरस है। कितना होनहार लड़का है। कितने प्लैनेट है हमारे सोलर सिस्टम में? मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो। प्लूटो अब प्लैनेट नहीं रहा। 7 बजे का स्कूल, 12 बजे की छुट्टी। अरे हाँ प्लैनेट तो है, छोटा सा गोल है, ठंडा सा एकदम। हेलो, हाँ जी। अरे वो मासूम सी बच्ची का क्या कसूर है यार, तुम्हें मुझसे क्या दिक्कत है? सबके माँ बाप को बुला के चुगलियां करते हो बेंच, रोज का रंडी रोना लगा रखा है। तुम्हें पिछले स्कूल से क्यों निकाला था? एक टीचर थे, उन्होंने मुझे दिवाली पे पटाखे फोड़ने से मना कर दिया स्कूल में। तुम बैंड में 5,000 की लड़ी लगा दी, भागते रहे पूरे स्कूल में। पर माँ बाप को तो बताना जरूरी है ना उनका बच्चा क्या गोल खिला रहा है स्कूल में। हद हो गई यार, दिन रात चिरांतों जैसी शक्ल लेके घूमते रहते हो। तुम्हें घर बीवी तुम्हारी परेशान नहीं होती तुमसे, बच्चे परेशान नहीं होते तुमसे? बेंच क्या यार, वकालत करनी पड़ रही है तुम जैसे आदमी के। पढ़े लिखे हो गए, बैन लुल्लो वाली बातें करते हो तुम। क्या बेंच, क्या दिक्कत है बच्चों से तुम्हें यार? 2 साल और कोई पूछेगा
नहीं तुम्हें ना, तुम याद रखोगे उनको। हमारे साथ हाथ मिला लो यार, रोज के मजे देंगे, रोज के मजे चाय पियेंगे टपरी पे बैठ के, महंगी वाली पूरी बनाएंगे आपको। मुझे अस्थमा है यार। यार आप टेबल्स पूछो बैंचो, भाई को एमबीए करनी है, तुम करोगे एमबीए? 7 बजे का स्कूल, 12 बजे हो जाएगी बेटा, प्यार से करेगा ना, दिक्कत नहीं है, थोड़ी मेहनत कर ले, हो जाएगी बस। 8 की टेबल सुना दे, 6 की सुना दे, अरे 2 की सुना दे यार। बबली जी थोड़ी अर्जेंट कॉल थी। अच्छा है दिमाग है। बेटा 1 की टेबल सुना दे। 1 एकम 1, 1 दूनी 2, 1 3, 1 चौके 4, 1 बजे 5, 1 छक्के 6, 1 सत्ते 7, 1 अट्ठे 8, 1 9 9, 1 10। हमेशा की तरह मजेदार वीडियो थी। एग्जैक्टली, बंदा फ्रेश कर देती है यार इसकी वीडियो, बेहतरीन। ऐसे टीचर्स मिलेंगे कभी? ऐसे स्टूडेंट नहीं मिले होंगे, ऐसे टीचर तो बहुत ज्यादा होते हैं। ये मुझे आज भी याद है, चिंगम नहीं खाने देते थे हमें स्कूल में, चिंगम तो बुरी बात खाते थे हम लोग। बुरी बात है, एक टेबल से अलाउड नहीं होती क्लास में। अच्छा जी, बात तो सही है, सही है जी। लेकिन खैर मजे की थी ये, बहुत मजा आया वीडियो देखकर। एग्जैक्टली, अच्छा ये वाली मजे की थी इससे कुछ लगा यार, पार्ट 4 तो अभी तक मेरा बेस्ट पार्ट। exactly. पार्ट 4 मुझे भी, पार्ट 4 इससे ज्यादा, पार्ट 4 मुझे याद है जितना मैं हंसा था ना। हां बहुत ज्यादा, इवन रिएक्शन के बाद भी 2 दिन तक मैं हंसता रहा था पार्ट 4 को सोच-सोच कर। उसका स्क्रिप्ट बहुत आला था। एग्जैक्टली, स्क्रिप्ट मतलब इसकी एग्जीक्यूशन ओवरऑल बहुत बेहतरीन होती है। मेन सिर्फ वो बोलना नहीं है, डायलॉग जो एक्सप्रेशन है ना इसके, बहुत सारी वही तो ज्यादा, बहुत सारी बातों में होता है कि एक बंदे का डायलॉग होता है और इसके सिर्फ एक्सप्रेशन होते हैं, वो भी प्रॉपरली अरेंज हुए होते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये बेस्ट है। इसकी सारी वीडियोस बहुत मजे की होती हैं। आप लोग बताएं सारे 10 की 10 पार्ट्स में से कौन सा आपका फेवरेट पार्ट है। एग्जैक्टली, और किसी ने बोला था नीचे, पिछली वीडियो में बोला था ना कि इसकी स्क्रिप्ट पता नहीं कौन लिखता है, बड़ी अच्छी थी वो। नीचे किसी ने लिखा हुआ था कि स्क्रिप्ट से लेके एंड तक, एंड एडिटिंग तक, सब कुछ इसकी अपनी होती है। तो ये बहुत बेहतरीन अचीवमेंट है। हाँ, और इसके एक लेक्चर में टेड एक्सप्रेस का एक लेक्चर था जिसमें मैंने सुना था कि कह रहा था कि मेरा स्टैमिना इस तरह मोबाइल को कर कर के इतना हो गया कि मैं 10 मिनट तक मोबाइल को ऐसे पकड़ के रख सकता हूँ। तो सही बात है, ही इज ग्रेट इन दिस फील्ड, नो डाउट। बिल्कुल, और आप लोग कमेंट करके हमें बताएं कि हम कंटिन्यू करें या ना करें, आपके रिस्पांस पर डिपेंड करता है। जितना अच्छा रिस्पांस आएगा हम आगे उतनी वीडियोस देखेंगे। हमारी बाकी वीडियोस भी सारी देखते रहें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम किसी और वीडियोस के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।